बिलीव करना दोस्तों कि भले आई नो दैट कि अभी डॉन 3 नहीं आ रही है, एंड डेफिनेटली शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो चाहते तो थे कि डॉन 1, डॉन 2। अब डॉन 3 का इतना ज़्यादा वेट हुआ था कि वो चाहते थे कि बने। अब तो शायद सुना है कि रणवीर सिंह वाला भी कैंसिल हो चुका है, पर शाहरुख खान को आप डॉन के रूप में देख सकते हो वापस इन इज नेक्स्ट फिल्म टाइटल किंग विद सुहाना। वो जो फिल्म आने वाली है उसमें जो अभी तक पर्दा उस फिल्म पे मतलब था कि कैरेक्टर क्या होने वाला है शाहरुख खान का, तो यहाँ पे देख लो शाहरुख खान टू प्ले अ कैरेक्टर विथ ग्रे शेड्स इन किंग, सिद्धार्थ आनंद, सुजय घोष टू प्रेजेंट हीम एज अ डॉन विथ लॉट ऑफ स्वैग एंड एटीट्यूड। हाँ, मैं चाहता था वो वाला वापस आए यार, क्योंकि मुझे आज भी याद है मतलब वो एक वो सॉन्ग था ना उसमें कि दुनिया मुझे जो भी कहे मुझे उसकी परवाह क्या, मुझे तो बस यही सोचना जीतने की है राह क्या। आई मीन वो जो डॉन था ना भाई, वो कैरेक्टर ना मुझे बहुत पसंद आता था, चाहे वो डॉन 1 हो डॉन 2 हो। वो ना देखो इतने साल के बाद भी वो लाइंस मुझे समहाउ याद है, अब थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा। वो जो डॉन का टाइटल सॉन्ग है ना, के वाला ही था ना वो, सेकंड पार्ट वाला, वो जा उन्होंने रिलीज़ नहीं किया था, सिर्फ वीडियो में आता था वो, बेहतरीन था यार। एनीवेज चलो, उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा यार कि मैं उस कैरेक्टर का सच में फ़ैन था, एंड मैं दिल से चाहता था डॉन 3 बने। और एक्चुअली मेरा आज भी यही कहना है कि पठान इसीलिए चली कि लोग डॉन टाइप का एक एक्चुअली रोल चाहते थे कि भाई ये ऐसा कुछ आए, तो जो लोग डॉन के पूरे एकदम फ़ैन थे ना कि भाई वो टूट पड़े पठान पे। क्यों? क्योंकि भाई उनको देखना था उसको उस वाले लुक में, उस वाले रूप में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये फिल्में इतनी अच्छी चली है पठान जवान, तो डॉन 3 तो नाम से चल जाती। बट वो फरहान अख्तर और उसके जो डिफरेंसेस है जो डॉन 2 के वक्त से ही थे, वो नहीं हुए सॉर्ट आउट। तो जाने तो जो भी है, पर अभी इस फिल्म को लेके आपको बता दूं कि ये उस दिन मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन अभी भी बता देता हूँ वापस, अब ये कोई सुहाना की फिल्म नहीं है दोस्तों, पैरेलल लीड में है वो। ओके, और अभी मैं बात करूँ तो मेन लीड रोल अब शाहरुख खान का है। पहले कैमियो था, एक्सटेंडेड कैमियो था, आधे आधे घंटे का था आई थिंक, सुना था। अब फुल फिल्म है उसकी, 200 करोड़ बजट हो चुका है, यानी कि आप समझ जाओ ये ऑफिशियल अब उसकी फिल्म हो चुकी है। तो ये स्टोरी लाइन भी थोड़ी बहुत चेंज की है इन्होंने, तो अब तो भाई अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो डॉन का हाइप लेने के लिए किया है इसने, वो कैरेक्टर अच्छा किया है, ट्रिक अच्छा है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ ही इज़ नॉट ओनली एन एक्टर, ही इज़ वेरी नाइस बिजनेसमैन। KKR भी भाई मुझे आज भी याद है, 2008 में सबसे लास्ट के लिस्ट में थी वो, 10 नंबर नहीं, 8 टीमें होती थी ना वहाँ पे, 8 नंबर पे फिनिश किया था, लेकिन प्रॉफिट वाइज सबसे ज़्यादा कमाया था। मैंने सुना है सबसे लो प्रॉफिट राजस्थान रॉयल्स को उस टाइम पे हुआ था टाइटल जीतने के बाद भी, और 10 या 8 या 7 नंबर पे रहने के बाद भी KKR को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। अब यही रहता है भाई, बिजनेस बहुत मैटर करता है। एनी वे ही इज़ सो टैलेंटेड इन बिजनेस, आई मस्ट से दैट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो शाहरुख सुहाना की फिल्म है एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर ड्रामा है जिसका नाम किंग है, और यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि जो कैरेक्टर होगा शाहरुख खान का रॉ होगा एकदम, और मतलब एक तरीके से बहुत एटीट्यूड दिखाने वाला भी होगा। देख लो, शाहरुख खान इज़ मेकिंग फिल्म्स फॉर द ऑडियंस एंड इज़ वेल अवेयर अबाउट देयर अर्ज टू सी हिम इन ग्रे शेड्स। आई एग्री विद दिस, किंग इज़ हीज़ पैशन प्रोजेक्ट एंड ही हैज़ बीन मेटिकुलसली वर्किंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट विद सिद्धार्थ एंड सुजॉय। दे हैव कलेक्टिवली कार्व वेरी कूल फुल ऑफ एटीट्यूड एंड स्वैग कैरेक्टर विद शेड्स ऑफ ग्रे फॉर SRK's किंग। यही यहाँ पे अभी तक का जो अपडेट आया है यही आया है भाई। कहने का मतलब ये है कि वो जो कैरेक्टर होगा वो एक डॉन का होगा और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला होगा। मैं तो चाहता हूँ कि डॉन 2 जैसा हो, मज़ा आएगा। और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है, एक सेकंड, और एक यहाँ पे जो अपडेट आई है, नहीं अब अभी तक वो उन्होंने बोला है द टाइटल किंग हैज़ बीन डिसाइडेड इन कंटेक्स्ट टू प्लॉट इज अबाउट हाउ SRK's कैरेक्टर द किंग ऑफ द वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड इन हीज एक्शन थ्रिलर स्टे ट्यून
फॉर मोर अपडेट्स। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि डॉन बन रहा है वो, ही इज़ नॉट डॉन थ्री बट किंग में वो डॉन बन रहा है। अच्छी बात है भाई, मैं तो चाहता ही था कि कोई ऐसे टाइप का कैरेक्टर आए वापस कि, और वो लुक भी वैसा ही चाहिए यार, मज़ा आएगा। और देखना है आपकी एक्चुअली सुहाना को उन लोगों ने बोला है कि वो पैरेलल कैरेक्टर होगा, आई थिंक दैट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि जो दिसंबर में फिल्म आई थी मैं बचा था वो देख के जिंदा, इसमें मैं खुश था। और इवन शाहरुख खान सर ने भी, सच बोलता हूँ, इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट दिया था, ही वॉज़ नॉट हैप्पी विथ सुहानाज परफॉर्मेंस, जाके देख लेना, झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंड ही वॉज लिटरली शॉक्ड। दैट्स वाई एक्चुअली पहले ये सुहाना की फिल्म थी, बाद में शाहरुख खान ने स्टोरी भी चेंज की है थोड़ी बहुत, खुद का लीड रोल रखा है, वरना ये फिल्म आपको याद है ना शेल होते होते बची थी, आप समझ जाओ भाई। और डेफिनेटली अगर कोई परफेक्ट, कोई अपने दम पे बना हो, 30-35 साल की मेहनत हो, तो वो अपने बेटी का अगर ख़राब परफॉर्मेंस होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा ही। तो आई होप कि अब वो अच्छी तरीके से कैरेक्टर देंगे, और उसको भी, क्योंकि यार वो खुद इतना अच्छा एक्टर है, वो डेफिनेटली उससे निकलवाएगा अच्छा काम, आई जस्ट होप सो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बाकी वो 200 करोड़ का बजट का टेंशन ना लो यार, वो ऐसे ही निकल जाएगा।